राम राम जी सारे दोस्तों ने। राम राम पुणे जाड़े मुबारक हो भाई साहब। थोड़े थोड़े जाड़े स्टार्ट हो गए यार। सभी रांडों को जाड़े मुबारक हो। यू भाई थोड़ा रांडापन ज्यादा फील कर रहा है। मैं कौन कर रहा भाई। तो आज खास इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आया। आप नए नए बालकों को यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होया उन्होंने बेरा होना चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर के क्या चीज़ हैं, कितने कोर्स हैं, कद बनी, के इतिहास रहा अपनी यूनिवर्सिटी का, वो सारी की सारी चीज़ और कितने किले में नए नए बालकों में पूरी यूनिवर्सिटी घूम भी नहीं पाते, पूरी यूनिवर्सिटी घूम कर देखियो सारे के सारे आलिए सारी की सारी चीज़ बतावाएंगे भाई। आप जिस घर में रहो अपन उसकी डायमेंशन भाई का गजमा को है कुकर कितने मरला मरला के सुद्धा बेरा होना चाहिए, उसके सारे कुण खोजने का बेरा होना चाहिए कि बेरा कद कड़े किसकी जरूरत पड़ती कुण सा कुण की। तो यह चीज अपने लोगों ने बतावांगे यूनिवर्सिटी अपन घर है। हाँ बिल्कुल। और ये जो अपनी यूनिवर्सिटी थी भाई इसकी शुरुआत हुई थी सन 1956 में, जिस टाइम हाँ 1956 के अंदर यह बन गई थी। और 1956 में उस टाइम पर तो मतलब हरियाणा भी था, उस टाइम पर हरियाणा पंजाब इकट्ठे थे, मतलब पंजाब गवर्नमेंट के अंडर में थी उस टाइम पे पूरा अपना स्टेट। तो ये 66 साल हो लगभग 66-67 साल हो गए इसने मतलब अपनी गोल्डन जुबली मना ली। बिल्कुल। और सबसे पहले जो सबसे पुराने डिपार्टमेंट थे अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, सबसे पुराने बिल्डिंग आज का टाइम पे भी जो संस्कृत डिपार्टमेंट वाले बालक होंगे वही डिपार्टमेंट सबसे पुराने थे ना, जो सबसे पुरानी थी नहीं वह बिल्डिंग चेंज कर दी अब तो इसने, उसके बाद अब बदलाव आ गया इसमें, लेकिन सबसे पुराना डिपार्टमेंट हुआ है संस्कृत डिपार्टमेंट था। और इसके अलावा बात करें भाई टोटल कितने कैंपस में को है अपने नू भी बताऊंगे भाई कितने कोर्स हैं और कितने में हाँ। तो ये बताऊंगा अपनी यूनिवर्सिटी टोटल 473 किले में, यानी लगभग 500 हाँ 473 किले मतलब लगभग 500 किले मतलब एक डाल तक गाँव बसने लग रहा पूरा का पूरा। और पूरा लगभग 20-25 हज़ार बालक एस्टिमेट हमारा मेरा खुद का मतलब कम से कम 25 हज़ार बालक मान लो यहाँ पे 20-25 हज़ार बालक यहाँ पे हर साल टोटल बालक रहे हैं कैंपस पे। और वह 25 हज़ार बालक कुकर रहे हैं 13 छोरियाँ के हॉस्टल बदरे हैं एक दो मेरे ख्याल ना ना उन्हें बदना के बाद भी मैंने 13-13 बता दिया 13-13 हॉस्टल में था बहुत से हॉस्टल। अब मैं छोरियाँ वाले तो आपने खैर इतने देखे को नहीं बहुत बड़े बड़े 13 नंबर हॉस्टल छोरियाँ ने बेरा होगा, मतलब आज तक पिछले कई सालों तक काम चल रहा है उसमें, अब भी काम पूरा होने बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसकी, सबसे बड़ा हॉस्टल छोरियाँ का हो 13 नंबर। और छोरियाँ की बात करें जे छोरियाँ में रिसेंटली हॉस्टल बना था भगत सिंह, सबसे बड़ा हॉस्टल है लगभग 500-600 की मिनिमम कैपेसिटी है उसकी उस हॉस्टल की। और उसके अलावा आप नररी हॉस्टल की बात करें, प्रताप हॉस्टल की बात करें, हॉस्टल तो कहना एक है लेकिन सो कितने देखा होगा उसके अंदर 5-5 ब्लॉक हैं, बिल्कुल मतलब 5 बड़ी बड़ी बिल्डिंग उसके अंदर हैं, एक बिल्डिंग के अंदर 60 रूम है, 60 रूम में तो एक बालक ने दो दो एक रूम में दो बालक ने शिफ्ट करे कर दे एक टाइम पे, तो मतलब अंदाजा लगा इसको आप कितने बालक पूरा कैंपस पर इस तरीके के टोटल 13 हॉस्टल अच्छा हैं हाँ। और उन 13 हॉस्टल में तो एक हॉस्टल जो अपने फॉरन का बालक हुआ आप लोग देख दोगे अफ्रीका वाले अफगानिस्तान वाले मतलब अलग अलग देशों का जो बालक हुआ एक हॉस्टल है इंटरनेशनल हॉस्टल का नाम पे बॉयज का, उसमें इंटरनेशनल बालक रहे इसी तरीका था छोरी वाला में भी होगा कोई इंटरनेशनल या फिर किसी अलग में शिफ्ट कर देंगे उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को नहीं पाए अंदर जान को नींदे मतलब बिल्डिंग है आप आओगे आप ग्रीनरी तो देखने लग रहे हो जिसने देख भी ली जो कैंपस पे एडमिशन हो गए हर जगह ग्रीनरी एक डिपार्टमेंट उसका चारों तरफ पार्क उसके बाद अपना इन्वायरमेंट फिर अगली बिल्डिंग पार्क स्टार्ट हो जाए पूरे रोड पर बड़े बड़े पेड़ और कुछ पेड़ चोर है इतने पुराने 56 दे लग रहे कई पेड़ तो आप देखोगे नहीं आईसीएच का दौर है किसी ने पेड़ देखे होंगे पेड़ नहीं कह सकते उन्हें दरख्त नहीं बोले करें बड़े दरख्त हैं। और सेकंड गेट वाला रोड देख लो थर्ड गेट वाला देख लो बहुत मतलब बहुत गजब और क्लीन बढ़िया कैंपस है। और इसके बाद बात करा कोर्सों की कितने कोर्स हैं और कितने डिपार्टमेंट हैं कितने इंस्टीट्यूट आप लोग डिपार्टमेंट आगे देख दोगे आधे नू को नहीं बेरा भाई इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट है उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल 7 इंस्टीट्यूट हैं 7 इंस्टीट्यूट हैं और 7 इंस्टीट्यूटों के अलावा 40 डिपार्टमेंट है मतलब टोटल 40 डिपार्टमेंट मतलब टोटल हो गए 47 डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट 47 अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर हैं 47 के अलावा इसके अंदर लगभग मैं गल्ला थोड़ी बहुत नॉलेज लेनी पड़ेगी आधी चीज़ कदम गलत नहीं बता दूँ आप हाँ। तो और इन 47 डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूटों के अंदर टोटल 175 कोर्स भाई 200 कोर्स तो हमें नए नए बालक आऊँ नहीं
कोई बाहर का भी देख लेंगे, खुद मैं भी हूँ 175 कोर्स में खुद पजल हो जाऊंगा, मैं गिनूंगा को नहीं सकता। 175 कोर्स मतलब एक मायने रखा यार, हर तरह के कोर्स यहाँ पे हैं। इसके बारे में बेसिक जानकारी थोड़ी पता भी होनी चाहिए, मैं मामा इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा, बिल्कुल इतने गिल्लम को मारी है मारी में डिपार्टमेंट, इतने डिपार्टमेंट हैं यूनिवर्सिटी में कोर्स हैं, ताकि बार कोई बताओ तो अपना पता होना चाहिए। खुद अंदाजा लगाओ अगर 147 कोर्स हैं, 147 कोर्स में मिनिमम आप मैं ज़्यादा नहीं कहता 60 वालकों के एवरेज लेगा चलो, नहीं बहुत से तो ऐसे भी हैं ज़्यादा सीटें भी, एक 147 कोर्स 60 सीट और उन्हें 60 सीट उन्हें एक साल की हैं, हाँ 175 कोर्स टोटल मतलब उन्हें फाइनल ईयर वाले बालक भी होंगे, मतलब 2 साल की मैंने लिया एक मास्टर डिग्री ने, कई तो 3-3, 4-4, 5-5 साल की भी हैं, उनमें तो अगर 2 साल की एक डिग्री ना मानना 60 कोर्स मतलब 120 गुणा में 147 कर लिए, और उसके अलावा इंटीग्रेटेड कोर्स में जो 5-5 साल के हुए अलग रह गए, हाँ और यूनिवर्सिटी कॉलेज में अलग रह गया, मतलब एक बहुत बड़ा कैंपस है आप लोगों ने बता दें। और भाई इसके अलावा और आप बात करें हॉस्टल की फैसिलिटी के बारे में बता दिया, हॉस्टल में खाना की और, लेकिन एक सबसे ख़ास बात पूरा का पूरा कैंपस वाईफाई है, और हरियाणा की मतलब पहली यूनिवर्सिटी थी जो पूरी फुली वाईफाई हुई थी, और ये आज नहीं मतलब 2012 के आसपास फुली वाईफाई हो गई थी, 2012 में मतलब बड़कों पर फोन नहीं कौन थे उस टाइम पर यूज़ करने खतर लैपटॉप पर मैं यूज़ करे कर दे उस जिस टाइम पर 2012 में नोकिया 1200 का ज़माना था, 1200 की उस टाइम पर अपनी नस्ती फुली वाईफाई थी, आज का टाइम पर क्या है कि थोड़ा हाँ वो वाईफाई कई जगह नहीं चलता इस वजह क्योंकि बड़का ने जरूरत नहीं है अपना सारे के सारे डाटा यूज करे हैं, बड़का ने समझते को नहीं जो लाइब्रेरी एच की बनाने वीडियो या भी या फुली एसी है। दूसरा भाई आज का टाइम पर पहले क्या था कि कोई भी बालक आया करता नहीं बाहर, तो स्पेशल बालक और यूनिवर्सिटी में वाईफाई चलाना आया करते अगर किसी पर एंड्रॉयड फ़ोन है, क्योंकि बाहर के बाहर था को नहीं, और अपने कैंपस पर उसका ये पासवर्ड आईडी पासवर्ड कौन थे ये आए 2016 के आसपास, 2016 में आईडी पासवर्ड आ आपका एडमिशन है तो आप तो आईडी पासवर्ड दे देगी यूनिवर्सिटी बनवा के, आप उसने यूज करो 2 साल तक इस तरीका का। और कॉलेज भी तो हाँ इसके अलावा इसके जो कॉलेज वगैरह की बात करें इस यूनिवर्सिटी के, ये अपनी यूनिवर्सिटी टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट में, 7 डिस्ट्रिक्ट के नाम बताऊंगा, मतलब 7 डिस्ट्रिक्ट में नहीं 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसके कॉलेज हैं जो एफिलेटेड कॉलेज है, पहले तो बहुत ज़्यादा थे, उसके बाद अपना हरियाणा में कुछ है जुकर जींदाल यूनिवर्सिटी बनेगी, सोनीपत में बनेगी, जे जे इंसार उस साइड में होगी, देवीलाल यूनिवर्सिटी में बनने के बाद इसके थोड़े कॉलेज कम हो गए, भिवानी के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनी है जिसका काफ़ी विस्तार होया है, अपने इसके टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट में आज का टाइम पे इसके कॉलेज रह रहे हैं, उसमें 7 डिस्ट्रिक्ट हैं पर है पंचकूला अम्बाला यमुनानगर 3 कुरुक्षेत्र कैथल पानीपत करनाल, तो ये मतलब हो गए टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट, और 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी यूनिवर्सिटी में 282 कॉलेज हैं, 282 कॉलेज 7 डिस्ट्रिक्ट में 282 कॉलेज, मतलब एक चीज़ देख सको इसमें आप, मतलब अपनी यूनिवर्सिटी 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है 282 कॉलेज, तो आप अपना एजुकेशन लेवल देख सको हो उसके अंदर, मतलब ये मैं नहीं कहता भाई सारे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी कम होंगे उसके अंदर, एडेड कॉलेज भी हैं, प्राइवेट कॉलेज भी हैं, बीएड कॉलेज भी हैं, टेक्निकल कॉलेज भी हैं, मैनेजमेंट कॉलेज भी हैं, मतलब सारे के सारे जो 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं वे सारे के सारे अपनी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं, और अपनी यूनिवर्सिटी एफिलेटेड है नेक्त है, नेक का बेरा होगा भाई एक DMC अंदी होगी बालकों के, चाहे ग्रेजुएशन के किसी भी कॉलेज के हैं अपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में देख देंगे NAAC A+, मतलब A+ अपनी यूनिवर्सिटी का ग्रेड है, हर साल इसका मूल्यांकन होकर या टीम है मतलब संस्था जो कर अपनी यूनिवर्सिटी भी एक संस्था है लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी के ऊपर हाँ, और एक अपनी यूनिवर्सिटी के ऊपर और भी बड़ी संस्था है नेक, उस नेक तक अप्रूव्ड है अपनी अपनी यूनिवर्सिटी नेक तक अप्रूव्ड, और जो 7 डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज हैं अपनी यूनिवर्सिटी तक अप्रूव्ड 282 कॉलेज, तो मतलब इस तरीका होता है एक बहुत बड़ा और एक बहुत बड़ा एरिया यूनिवर्सिटी का है, उसके अलावा बहुत से बालक एग्जाम ब्रांच मानते होंगे अपना काम करवाने वास्ते, अब पहले एक बिल्डिंग हो करती 2 बिल्डिंग हो करती 3 बिल्डिंग बन गई सुखी, 3 बिल्डिंग में काम हुआ है, कल्चर एक्टिविटी और रत्नावली का बहुत बड़ा मेला लगा उसकी वीडियो आप देख सको हो, पूरा कैंपस पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे उनकी मतलब पहाड़ी पेड़ पौधे नहीं जो पहाड़ों के अंदर पाए जाए जो प्रजातियाँ वे भी अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, क्योंकि पूरा बायोलॉजी का भी एक अच्छा डिपार्टमेंट है बोटनी वगैरह का, यूनिवर्सिटी कॉलेज में बायोलॉजी का अलग है बोटनी का, अपने UTD पर लगता है बोटनी का, इस वजह से बालकों ने कुछ नया सीखना मिला अलग अलग तरह के पेड़ पौधे
सेकंड जाडे शुरू हो गए थोड़ी बार पहले कह रहे थे थर्ड गेट वाला रोड पर निकल जाओ, सेकंड गेट वाला पे एक है बड़े खुशबू आंदी होगी सुखी जो कुछ सेंट सा मैं रखे हो उनकी पेड्या का भी एक वीडियो बनाऊंगा किस दिन हाँ, कल्चर के मैं, साथ हर फेवर कैंपस में जाओ ने इतने सुधरा पेड्या दिखा उसका नाम नहीं बेरा होता बिल्कुल और आपने नु को नहीं बेरा पड़ता वो खुशबू आओ करा था लेकिन कुछ पेड़ ऐसे भी लगा रखे यूनिवर्सिटी में कि उनका ऑटोमेटिक खुशबू जनरेट हुआ है उन्हें खुशबू दे हैं खुशबूदार पेड़ पौधे और फूलों लिया के तो घट है को नहीं। रोज़ गार्डन में जाओ कम से कम 50 तरह की वैरायटी गुलाब गुलाब की मिल जाएगी अपना रोज़ गार्डन के अंदर जाडे आगे जाडे में और बड़े खुल जाएंगे। हाँ रोज़ गार्डन में हर तरह के फूल मिल जाएंगे अपने हाँ और फूल भी मिल जाएंगे फूल भी मिल मतलब हर तरह की चीज़। इसके अलावा भाई पीछे लाइब्रेरी है फुली एसी वाई या है लाइब्रेरी है इसके दो ब्लॉक है एक यू आप उरा देखो रीडिंग हॉल है पूरा बड़ा। उसके अलावा किताबें की उरा घाटा को नहीं आपने किताब खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ये लाइब्रेरी उरा तो इशू करवा इसको अपना आपका डिपार्टमेंट के अंदर लाइब्रेरी है। उसके अलावा आप उसकी या डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर लाइब्रेरी उड़ा जाकर बैठ कर पढ़ सको आप लेकिन उड़ा तो इशू नहीं करवा सकते बहुत बड़ा है। और दूसरी बात एक अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर है अपना हरियाणा का पूरा इतिहास जरूर सो की समझ गया होगा जरूर कि हमने पूरी वीडियो बना दी थी लेकिन थोड़ा हाँ वो एक बार आकर सबने देखनी चाहिए जो बड़ा यूनिवर्सिटी कैंपस पर आ गया तो जरूर जरूर देखो। एक अपने यूनिवर्सिटी का सबसे खूबसूरत खूबसूरत डिपार्टमेंट है यो फाइन आर्ट क्यों सो की फाइन आर्ट की वीडियो डाला हाँ फाइन आर्ट की वीडियो डाल रखे लेकिन यार गजब आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी के जो बालक है नहीं ग्रेजुएशन वाले पोस्ट ग्रेजुएशन वाले एक अलग अलग डाल के मतलब पत्थर कट कट के माटी का गला है लकड़ी के ऊपर अलग अलग क्रिएटिविटी दिखा रखी है बहुत बढ़िया शानदार। देखो उन डिपार्टमेंट ने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रीन वैली है थोड़ी सी वह रजबाए हो करता बीचों बीच आपने लोका पुल देखा होगा वो लोका पुल रह रहा है लेकिन उसका नीचा को पहले नहर चाले करती रजवाया था उस हाँ और ओडा जो उसने नहीं है उसका नाम दे रखा था ग्रीन वैली रिवर साइड पार्क भी बोले करते बड़ा कुछ नहीं लेकिन डॉक्यूमेंट्री नाम था उसका ग्रीन वैली बड़ा गजब का खूबसूरत नज़ारा करता शाम का टाइम में सोखी ने बड़े उड़े करे हैं छोरियाँ का हॉस्टल का टाइम हो जाए करता मार्केट साइड था अरू ओडा को बैठ जाए करते मैं हाँ चल नहीं बैठोगे मैं वैसे बता रहा हूँ बालकाना बहुत एक अच्छा नज़ारा हो अपने मतलब कपल है यार यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी लाइफ है करो इन्जॉय वो हम उस पे नहीं जानते पर्सनल लाइफ है लेकिन एक खूबसूरत नज़ारा अपनी यूनिवर्सिटी का हुआ एक अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर है भाई बता दूँ बालकान है लव पॉइंट लव पॉइंट ओडा नहीं आप शाम ने पॉइंट हाँ मैं कराऊंगी तेरी भी जगाड़ तेरा भाई लव पॉइंट का बारे में बता दूं आप जो अपना वीआईपी रोड है नहीं यार उसका साइड में वीसी ऑफिस कर वीआईपी रोड के बीच में खूबसूरत सा पार्क है खूबसूरत सी छोटी सी गोल ही बिल्डिंग है और जो उसका चुकरदा को जो पार्क है नहीं हाँ फैकल्टी लॉन्ज बोला उसने सामान्य शाखा लिख रखे आज का टाइम पर उसके ऊपर वो है जो पार्क वाला पूरा एरिया होगा नहीं उसने बोला लव पॉइंट और ओडा शाम का टाइम पे नए नए युवक युवतियाँ बैठ के अपना मतलब जो जिसने प्यार का इजहार करना मतलब वो है मैंने भी बहुत बाद में बेरा बेटा किसी दोस्त ने बताया अब मेरा भी इन चीज़ों का नाता इतना रहा नहीं है यू भी हाँ यू इतिहास रहा एक अपनी यूनिवर्सिटी की सबसे पुरानी बिल्डिंग हो आर्ट फैकल्टी ICH के बिल्कुल साइड में खूबसूरत बिल्डिंग अंदर जाओगे कम विंटेज एच आकार में ऐसा कार में रही गजब की देखियो एक बार जाकर टोटल कितने उसके अंदर कम से कम 10 डिपार्टमेंट उसके अंदर होंगे और कोर्सों का घाटा को नहीं 10 तो मैंने डिपार्टमेंट बोला है और उसके अलावा उसके अंदर फी सेक्शन भी है उसके अंदर एक गर्ल्स का कॉमन रूम भी है बॉयज़ का कॉमन रूम भी है खागड़ूरा यूनिवर्सिटी में फिर दे रहो कॉमन रूम के अंदर जाएगा LED लागी पाओगी उसमें कि मैं देख को न्यूज़ वगैरह मैच देख रहा हूँ कुछ भी। उसके अलावा उसके अंदर न्यूज़ पेपर भी धरे हैं छोरियाँ का ग्राउंड फ्लोर पर छोरियाँ का उसको बिल्कुल ठीक उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर है उसके अंदर कम से कम 20 न्यूज़पेपर लगे हैं हिंदी इंग्लिश मतलब हर तरह की लैंग्वेज के उसके अंदर आपने न्यूज़पेपर पाओगे जनरल नॉलेज खतर पढ़ इसको हो और सोफे लग रहे हैं बैठ कर अगर थोड़े बहुत परेशान हो रहे हो थक रहे हो सोफे के ऊपर बैठ कर आप रेस्ट कर सको हो बिल्कुल मैं इसने या जगह के बताऊँगा अपने जड़े दूस दस वाले खड़े हुए करें नहीं यू अपना PNB का ATM है PNB बैंक है पहली OBC बैंक बोले करते इसने अब PNB में कन्वर्ट हो गया उस बैंक का बिल्कुल साथ में वो है पूरी बिल्डिंग में घूमो फी सेक्शन में अगर किसी ने जरूरत पड़ा फी सेक्शन कड़ा फी सेक्शन भी उसका अंदर ही है एक उसका अलावा अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ICH मतलब थोड़ी कॉस्टली हो उसका है आप लोग अपने हिसाब से देख लियो उसने लेकिन बड़ी विंटेज है वो अभी उसके अंदर सबसे ज़्यादा मतलब अपनी यूनिवर्सिटी की सबसे मेन कैंटीन वही होगी एक अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर सेंट्रल कैंटीन भी है
हम ये नहीं बता रहे भाई बड्डी अगर, लेकिन आप हाँ बहुत कैंटीन है ये मैंने बता रहे हैं देख उसको हो। अपनी यूनिवर्सिटी का म्यूजिक डिपार्टमेंट बड़ा खूबसूरत डिपार्टमेंट लगा मैंने, उसके अंदर आप जाओगे मतलब ओड़ा है, आपने वही नहीं मिलेंगे क्लासरूम नहीं मिलेंगे, एक ढंग तक रूम है उसके अंदर मैट वगैरह लगा के मतलब एक बैठने का एक हेल्दी इन्वायरमेंट, जिस तरीका था पलोथी मार के एक गजब का इन्वायरमेंट है। थोड़े बहुत तबले तुबले बाज दे रहे हैं तो उनकी म्यूजिक की भी आवाज़ आंदी रहे अलग अलग प्रकार की दूने, अगर कोई मेरा वर्गा बजाना हो जब थोड़ी बहुत खराब भी है इसका है। और के बताऊँ आप लोग आता है पूरी यूनिवर्सिटी में घूम कर देखो, बहुत बढ़िया कैंपस है सारे रोडों पर घूम कर देखो। हाँ एक चीज़ रहेगी, आप अपनी यूनिवर्सिटी में आप आगे जाओगे नहीं अपने, हाँ यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स ग्राउंड बहुत बढ़िया है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपनी यूनिवर्सिटी का बहुत नाम रहा, मतलब सबसे बड़ा नाम स्पोर्ट्स में कमाया अपनी यूनिवर्सिटी ने। और अपनी यूनिवर्सिटी का मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया, स्पोर्ट्स ग्राउंड में आप जाओगे, स्पोर्ट्स ग्राउंड तो एक अलग चीज़ है। अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर छोरियां का हॉस्टल में एक बहुत बढ़िया जिम है, छोरियां का हॉस्टल में बहुत बड़ा जिम की बिल्डिंग बनने लग रही है, वो बिल्डिंग अपने एक दिन जरूर दिखावांगे, ओडा बहुत जल्दी वो हो जाएगा। उसका पहली अगर थोड़ा बहुत टेम्परेरी जिम है वो फिजिकल डिपार्टमेंट के अंदर दे रखा है जिमनेजियम हॉल में बॉक्सिंग रिंग के पास में, और बहुत बढ़िया ग्राउंड आप लोग प्रैक्टिस कर सको अपनी खूबसूरती ने बरकरार रख सको हो जवानी ने और बड़ा देश को अपनी ने। अब एक उस तक जाओगे ग्राउंड तक गए तो एक रोड जाओ NIT की साइड में, बालक आधे तो जा ही नहीं पाते डबा NIT की है, लेकिन मैं कहूँ एक बार सबने NIT घूमनी चाहिए। अपनी यूनिवर्सिटी तभी का भी एक एडवांस लेवल एक NIT है, बड़ी खूबसूरत है, बहुत शांति प्रिय है। और दूसरा और आज का टाइम पर व्हीकल अलाउड नहीं है, मैं तो पहले व्हीकल था तो हम घूम ले व्हीकल पर उड़ा है, लेकिन व्हीकल अलाउड नहीं, आप एंट्री करो गेट के अंदर आपकी साइड में पार्किंग है, पार्किंग में लगवा देंगे, अंदर पैदल घूमो, सिक्योरिटी वाले हैं, एक अलग अलग बॉर्डर बने, इस साइड अपनी सिक्योरिटी बैठी है यूनिवर्सिटी की, उस साइड NIT की सिक्योरिटी बैठी है। और एक टाइम पर ये 1970 से पहले शायद, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, 1970 का एस्टिमेट दे रहा हूँ मैं, 1970 तक तो अपनी यूनिवर्सिटी और NIT, ये NIT अपनी यूनिवर्सिटी का ही एक कॉलेज था, NIT तो बाद में बनी, हाँ ये NIT बने बहुत बाद में, शायद NIT तो क्या पता 2000 के आसपास, हाँ 2000 के बाद बनी है, तो ये 1970 के आसपास एक कॉलेज होया करता अपनी यूनिवर्सिटी का, और आज का टाइम NIT बन गई भाई, वो अपनी यूनिवर्सिटी का कॉलेज, मतलब अपने लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एक ढंग था अपनी यूनिवर्सिटी की, अपनी यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज और वो NIT बन जाए, मतलब NIT नेशनल इंस्टीट्यूट, और बड़े गजब का कैंपस होड़ा भी, जाकर देख सोड़ा भी की एक अलग मार्केट है अपनी यूनिवर्सिटी की, मार्केट का आप लोगों ने बेरा है बड़ी गजब की है, थोड़ा मोमो जाला हो, दादा की चाह हो, फोटो स्टेट हो, हर तरह की चीज़ें फेमस है, किताबों की भी अलग अलग दुकान है, अलग अलग कैफे हैं, मतलब ओवरऑल एक बड़ा गजब डिपार्टमेंट है अपनी यूनिवर्सिटी का, लॉ का डिपार्टमेंट हो गया, फार्मेसी डिपार्टमेंट हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस का हो गया, आर्ट्स के, मतलब टोटल बहुत बढ़िया कैंपस है, घूमो फिरो। और हाँ एक सबसे खास बात, अपनी यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम बहुत बेहतरीन गजब का ऑडिटोरियम है, पाछा बैठे है सुखी, इसने उड़ा बड़े खेडे रहते हैं, मतलब खेडे रचना था मतलब मेरा वो नहीं है, इसने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करा है, उस तक बहुत ज़्यादा भावना जुड़ रहे हैं, और उसकी कैपेसिटी देखोगे नहीं, एक टाइम पर तो हरियाणा का के एशिया में भी उसका नाम आया करता था सबसे बड़े कॉलेज में, क्योंकि सबसे बड़े ऑडिटोरियम में पिछले 8-10 साल में भी उसका नाम पूरा एशिया के अंदर सबसे बड़े ऑडिटोरियम के अंदर आया करता, क्योंकि कैपेसिटी उसकी देखियो, कैपेसिटी का घाटा को नहीं बैठते अपनी यूनिवर्सिटी के सारे बालकों बैठ ले हो, और खूबसूरत है। उसके अलावा भी अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ओपन एयर थिएटर है, जरूर के अंदर एक अलग तो ओपन थिएटर है, धमाल मंच की स्टेज है, हुआ थोड़ी हो रही है उसमें, यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर ऑडिटोरियम है, कम्युनिटी सेंटर है, और यू एक मिनी ऑडिटोरियम बोल सकता हूँ, आर के सदन है, फैकल्टी लॉन्ज है, ये मतलब बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत कैंपस है, पूरा कैंपस ना आप लोग घूम कर देखो, घूम कर कमेंट करिए भाई, हाँ अगर फिर भी अगर कोई बालक ऐसा देखने लग रहा है उसने नू लगा है भाई इस इस या जगह या लोकेशन सबसे बढ़िया लगी मैंने, और प्रॉपर वीडियो बनाओ तो हम उसकी वीडियो भी बना देंगे, कोई मतलब नुए जिस तरीका था बना लग रहे हैं, और उसकी पूरी डिटेल कर लू को नहीं डिटेल मार पर चीज़ की यूनिवर्सिटी के अंदर, और वह पूरी डिटेल में आपकी एक स्पेशल उस चीज़ की भी वीडियो बना देंगे, तो मतलब पूरी यूनिवर्सिटी का आप तय ब्रीफ दिया है, यूनिवर्सिटी कैंपस पा रहे हो तो यार पता होना चाहिए, घूम कर देखो। और इसके अलावा और भी लगातार आपके लोगों की वीडियो आंदी रहेंगे आपका दौर है, वीडियो ने शेयर करना ना भूल करो, और लाइक करना ना भूल करो, कमेंट करना ना भूल करो, कमेंट चाहे यार नू कह दो यार अगर अच्छी नहीं लग देनी तो नू भी कह इसको बढ़िया को लगी इस तरीका था बनाओ, वो भी करांगे थोड़ा बहुत अगर मर पकी में होया तो, लेकिन कमेंट जरूर करे करो, बढ़िया लग गए जी फिर तो जरूर वो है कि बोले करें और भी बढ़िया वो सलाह देने खातर भी कमेंट कर सको, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, लाइक करियो, कमेंट करियो,
सब्सक्राइब भी करियो। हाँ बिल्कुल, स्वाद प्लस जानकारी जनहित में जारी, न्यू मिलती रहेगी आप लोगों ने। धन्यवाद।